हमारे समाज में और हमारे क्लासरूम में एक सामान्य सा सवाल पूछा जाता है, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? और बच्चों के जवाब होते हैं डॉक्टर, इंजीनियर या इसी तरह के कुछ और। सभी के अपने अपने जवाब होते हैं, लेकिन क्या सभी को सफलता मिल पाती है? और सफलता के लिए क्या चीज़ आवश्यक है? जैसे हमने सुना है मेहनत सफलता की कुंजी है, यानी मेहनत आवश्यक है, या इच्छा शक्ति या बुद्धि या प्रशिक्षण या कोई और चीज है जो सफलता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आइए पहले एक वीडियो देखते हैं। James Cartley, the bowler. That's four. You could see that he was looking to. That is very clever batting. That is essential for Sachin Tendulkar. Put a bit of pressure on the fielder and came back quite comfortably for his second one. आपको क्या लगता है, जो वीडियो में हमने जिनको देखा है, क्या वो मेहनत से कामयाब हुए हैं, या इच्छा शक्ति से कामयाब हुए हैं, या बुद्धि से, या प्रशिक्षण से, या कोई और चीज़ थी जिसकी वजह से वो इतने कामयाब हुए? क्या ये सब जन्म से ही कुछ खास गुण लेकर पैदा हुए थे या नहीं? यहाँ सवाल थोड़ा सा मुश्किल होता जाता है कि अगर ये जन्म से कुछ खास लेकर पैदा हुए थे तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी इन जैसे नहीं बन सकते। और दूसरी बात, अगर हम इस सवाल को इग्नोर कर देते हैं, यानी ऊपर की चारों चीज़ों को मान लेते हैं, तो कुछ कुछ ऐसा लगता है कि हम सभी को इतना ही कामयाब बना सकते हैं, या सभी उतने ही कामयाब हो सकते हैं जितने सचिन तेंदुलकर कामयाब हुए, या लता मंगेशकर कामयाब हुई, या फिर पी वी सिंधु, या कोई और जो बहुत ज़्यादा कामयाब हैं अपने अपने क्षेत्र में। लेकिन ऐसा सच नहीं है। बहुत सारे बच्चे संगीत की परीक्षा, संगीत की तैयारियां करते हैं, लेकिन कामयाब तो उनमें से कुछ एक ही हो पाते हैं। अपने अपने एरिया में कुछ एक लोग ही कामयाब हो पा रहे हैं, सभी क्यों नहीं? इसके पीछे एक बड़ा कारण और भी है, और वो है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड मतलब हिंदी में बोलते हैं अभी क्षमता या अभियोग्यता। इट डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड एप्टोस मीनिंग फिटेड फॉर, यानी एप्टोस से लिया गया है जिसका अर्थ है फिट फॉर, यानी किसी चीज़ के लिए योग्य है या नहीं। एप्टीट्यूड प्रेडिक्ट्स व्हाट ए पर्सन इज फिट टू बी, यानी हिंदी में अगर बोलें तो भी क्षमता भविष्यवाणी करती है कि कोई किस काम के लिए बना है, यानी वह किस निश्चित क्षेत्र में सफल हो सकता है। इंग्लिश एंड इंग्लिश के अनुसार एप्टीट्यूड मे बी रिगार्डेड एज द कैपेसिटी और टू एक्वायर प्रोफिशियंसी विद ए गिवन अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग, यानी यह एक क्षमता है, कैपेसिटी है दक्षता हासिल करने के लिए एक निश्चित मात्रा में प्रशिक्षण देने के बाद। और टेक्सलर के अनुसार अभियोग्यता वर्तमान दशा है, यानी वर्तमान की कोई दशा है जो भविष्य की क्षमताओं की तरफ संकेत करती है, यानी अभी क्षमता नहीं है, सिर्फ दशा है जो संकेत कर रही है कि भविष्य में क्या हो सकता है, कोई कितना सफल हो सकता है या क्या योग्यता उसमें हो सकती है, यानी एक तरह के फिलहाल के जो लक्षण हैं उन लक्षणों को एप्टीट्यूड बोला जाता है। किसी व्यक्ति में किसी खास तरह के लक्षण दिखाई दें, किसी बच्चे में किसी खास तरह के लक्षण दिखाई दें, उन लक्षणों को एप्टीट्यूड कहा जाता है। अगर उन्हीं लक्षणों के अनुसार उनको सही प्रशिक्षण दिया जाए तो वह जो लक्षण है वो योग्यता में परिवर्तित हो सकते हैं, और योग्यता में परिवर्तित होने का मतलब है सफलता के चांसेस बढ़ना। जैसे एप्टीट्यूड है, इसके साथ जोड़ दिया जाए ट्रेनिंग, यानी उसी एप्टीट्यूड की ट्रेनिंग दे दी जाए तो वह एबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मान लो सचिन तेंदुलकर की बात करें हम, तो इसमें एप्टीट्यूड था क्रिकेटिंग का और उसको ट्रेनिंग मिली क्रिकेटिंग की ही, तो वह कामयाब हुआ। अगर सचिन तेंदुलकर को डांस की ट्रेनिंग दी जाती तो नहीं, वह कामयाब नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें एप्टीट्यूड क्रिकेटिंग का था, तो उसी की ट्रेनिंग दी तो कामयाब हुआ। इसी तरह
लता मंगेशकर है, इनमें एप्टीट्यूड था सिंगिंग का और सिंगिंग की ही ट्रेनिंग मिली और वो कामयाब हुई। यानी सेम एप्टीट्यूड सेम ट्रेनिंग तो वो योग्यता में बदल जाती है और फिर कामयाबी के चांस बढ़ जाते हैं। एप्टीट्यूड की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, हम पहली विशेषता बात करते हैं, एप्टीट्यूड इज सिम्टोमेटिक यानी लाक्षणिक है, लक्षण होते हैं, इंडिकेटिव ऑफ वंस एबिलिटीज यानी जो योग्यताएं हैं उनके लिए सिर्फ इंडिकेटर का काम करता है, सूचक होता है बस। यानी अभी क्षमता है वो लाक्षणिक या सूचक है किसी की योग्यताओं का। एप्टीट्यूड हेल्प अस टू नो व्हाट ही कैन डू इन द फ्यूचर और हेल्प्स इन प्रेडिक्शन अबाउट फ्यूचर परफॉर्मेंस, यानी सिर्फ यह जानने में हमारी मदद करती है कि कोई व्यक्ति भविष्य में क्या कर सकता है और भविष्य में उसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी। एप्टीट्यूड है वो रिलेटिवली कॉन्स्टेंट या परमानेंट या हम कह सकते हैं स्टेबल क्वालिटी है। एप्टीट्यूड हमें नॉर्मली बाय बर्थ मिलता है और इसको नॉर्मली नहीं बदला जा सकता। एक शब्द है ये थोड़ा सा ध्यान रखें, रिलेटिवली कॉन्स्टेंट है, रिलेटिवली का मतलब होता है पूरी तरह परमानेंट नहीं है, काफ़ी हद तक परमानेंट है, काफ़ी हद तक स्टेबल है, कॉन्स्टेंट है। इट इज़ इनेट एज वेल एज एक्वायर्ड, यानी ये एक्वायर्ड भी है और जन्मजात भी है, लेकिन जनरली इसको इनेट ही माना जाता है, बाई बर्थ ही माना जाता है। लेकिन संभावना ऐसी भी हैं, कुछ परसेंटेज ऐसे चांस भी हैं कि बाद में इन्वायरमेंट से भी एप्टीट्यूड का निर्माण हुआ है। इट इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का ही संयोग है। एप्टीट्यूड कैन बी डेवलप्ड बाय प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग, यानी प्रैक्टिस और ट्रेनिंग के द्वारा इसका विकास किया जा सकता है, ये ध्यान रखें, लेकिन पैदा नॉर्मली ये बाय बर्थ ही होता है। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी यूनिक और अनयूजुअल पोटेंशियल ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी इसको एक यूनिक क्षमता माना गया है। एप्टीट्यूड ओपन्स द वेज ऑफ इंटरेस्ट एंड सेटिस्फैक्शन इन लाइफ, एप्टीट्यूड से आपके इंटरेस्ट क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन पक्का नहीं है कि इंटरेस्ट क्रिएट होंगे किसी बच्चे में। एप्टीट्यूड हो सकता है कि वो मैथमेटिशियन वाले गुण हों या एक फुटबॉलर होने के गुण हों या पेंटर होने के गुण उसमें हों, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उस एरिया से संबंधित उसमें एप्टीट्यूड भी हों, सॉरी इंटरेस्ट भी हों। इट इज़ ए प्रेजेंट कंडीशन बट विद ए फॉरवर्ड रेफरेंस, कंडीशन यह एक वर्तमान दशा है लेकिन भविष्य की तरफ संकेत करती है। जो एप्टीट्यूड टेस्ट हैं वो प्रेडिक्शन के काम आते हैं, ये बताते हैं कि भविष्य में किस करियर में बच्चा सफल हो सकता है। और आउटस्टैंडिंग एप्टीट्यूड है उसको टैलेंट माना गया है, यानी हम कोई ये कहते हैं कि किसी बच्चे का ये टैलेंट है, इसका मतलब है कि उसमें विशेष तरह का एप्टीट्यूड है जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में है। इट गिव्स आंसर टू व्हाट आर यू बेस्ट एट, यानी आप किस क्षेत्र में बेस्ट हैं उस सवाल का जवाब देता है। जिस क्षेत्र में आप बेस्ट हो सकते हैं वह आपका एप्टीट्यूड होगा। टाइप्स ऑफ एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड के मुख्यतः 5 प्रकार हैं। पहला प्रकार है सेंसरी यानी हेयरिंग से संबंधित, साइट से संबंधित, टच से संबंधित, स्मेल से संबंधित और टेस्ट से संबंधित। दूसरा प्रकार है मैकेनिकल, मैकेनिकल में आता है मैकेनिक जो बनते हैं उनके लिए टेस्ट होता है ये, कारपेंटर, ट्रेन ड्राइवर या फायर ब्रिगेड वालों के लिए, यानी जो मशीनें हैं उनके साथ वो किस तरह से तालमेल करते हैं, ये सब इसमें आता है। तीसरा होता है स्कोलेस्टिक एप्टीट्यूड, साइंटिफिक इसमें आता है, इंजीनियरिंग आता है, मेडिकल, कमर्शियल, स्पोर्ट्स, लिंग्विस्टिक, ये सारे के सारे स्कोलेस्टिक एप्टीट्यूड में आते हैं। उसके बाद आता है प्रोफेशनल एप्टीट्यूड, यानी किसी प्रोफेशन विशेष से संबंधित एप्टीट्यूड है तो ये अलग अलग एरिया आते हैं, क्लैरिकल है, लीगल है, टीचिंग है, पायलट, बैंकिंग या मिलिट्री से संबंधित या और भी हो सकते हैं। और फिफ्थ है आर्टिस्टिक, आर्टिस्टिक में इसका मतलब होता है म्यूजिक, डांस, पोएट्री, पेंटिंग, राइटिंग, डिजाइनिंग, एक्टिंग, फोटोग्राफी, इससे संबंधित एप्टीट्यूड होते हैं, ये और भी हो सकते हैं, एस्थेटिक वगैरह भी, डेकोरेशन से संबंधित भी। मेजरमेंट ऑफ एप्टीट्यूड, अभियोग्यता परीक्षण यह जानने के लिए किए जाते हैं कि किसी व्यक्ति में किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित परीक्षण देने से पूर्व क्या योग्यताएं हैं। यानी जैसे मान लो अध्यापक से संबंधित एक एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है, जैसे बीएड से पहले एंट्रेंस टेस्ट होता है या फिर कैट होता है, टेट होते हैं, ये भी अध्यापक बनने से पहले टेस्ट होते हैं, ये जानने का प्रयास करते हैं कि इनमें इस व्यक्ति में वो लक्षण है या नहीं, कि वो प्रोफेशन में वो जाने लायक है या नहीं, बाद में प्रशिक्षण से यह अध्यापक बन सकता है या नहीं बन सकता,
कोई किसी विशेष प्रोफेशन में जाना चाहता है तो ये जानने के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाता है कि वह उस फील्ड में ट्रेनिंग देने के बाद कितना सफल होगा या नहीं होगा। तो एप्टीट्यूड टेस्ट हमेशा ही पहले किए जाते हैं, पहले वो लक्षण देखे जाते हैं। कितने हैं? लगभग 5,000 एप्टीट्यूड टेस्ट फिलहाल बने हुए हैं, या फिर हम ये कहें कि बहुत ज़्यादा मात्रा में एप्टीट्यूड टेस्ट हैं जो बने हुए हैं, और इनको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहली कैटेगरी है मल्टीपल या जनरलाइज्ड टेस्ट, इनको टेस्ट बैटरी भी बोला जाता है, यानी एक ही टेस्ट में कई सारे एरियाज का टेस्ट ले लिया जाता है। और दूसरा है स्पेशलाइज्ड या इंडिपेंडेंट टेस्ट, यानी सिर्फ एक एरिया से संबंधित टेस्ट होते हैं। तो दो तरह के टेस्ट हो गए, एक मल्टीपल वाले और दूसरा स्पेशलाइज्ड। हम बात करते हैं पहले मल्टीपल से संबंधित। मल्टीपल टेस्ट हैं वो बैटरी की फॉर्म होते हैं, इनको टेस्ट बैटरी बोला जाता है। टेस्ट बैटरी वो टेस्ट होता है जिसमें एक से ज़्यादा टेस्ट को शामिल किया जाता है। जो मुख्य हैं, तीन टेस्ट बैटरी हैं जो फेमस हैं। पहली है डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको डेट बोला जाता है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी GATB बोला जाता है, और तीसरा है आर्म्ड सर्विसेज वोकेशनल एप्टीट्यूड बैटरी। तो ये तीन हैं जो फेमस हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं। हम थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं डेट के बारे में। डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी है, ये 8 से 12 साल के बच्चों के लिए है नॉर्मली, और इसके 6 हिस्से हैं जिसमें 6 टेस्ट हैं शामिल हैं। वर्बल रीजनिंग से संबंधित है, न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग टेस्ट भी इसमें शामिल है, स्पेस रिलेशंस टेस्ट भी है, मैकेनिकल रीजनिंग टेस्ट भी है, और लैंग्वेज यूजेज टेस्ट। इसमें 6 चीज़ें शामिल हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग, स्पेशलाइज्ड इंडिपेंडेंट एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में। इनमें बहुत सारे टेस्ट हैं, लेकिन जो मुख्य हैं उनका हम जिक्र कर रहे हैं। सबसे पहले पहला है मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट है, टेस्ट ऑफ आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट है, इसमें भी अलग अलग आर्ट्स से संबंधित टेस्ट होते हैं। उसके बाद प्रोफेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट है, स्कॉलेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट है, डेट्रोइट क्लेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट है, साइंटिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट है, मिनीसोटा इंजीनियरिंग एनालॉजिकल टेस्ट है, और अदर टेस्ट लाइक मोटर डेक्सटरिटी टेस्ट। इसके बाद आते हैं हम यूजेज ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट। पहला है फॉर प्रेडिक्शन फॉर फ्यूचर सक्सेस, यानी जो भविष्य में कितनी सफलता उसको मिलेगी, इसकी प्रेडिक्शन के लिए ये टेस्ट किए जाते हैं। टू हेल्प स्टूडेंट इन द प्रॉपर चॉइस ऑफ कोर्सेज सब्जेक्ट्स एंड करियर्स, यानी इनके चुनाव के लिए काम आते हैं। एडमिशन पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल होते हैं कॉलेजेस या टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में। और दूसरे साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, उनके सप्लीमेंट में भी ये काम आते हैं। टू हेल्प द स्टूडेंट्स इन इम्प्रूवमेंट ऑफ सर्टेन स्पेशल ट्रेट्स, कुछ स्पेशल ट्रेट्स बच्चे में हैं और उनको ये पता चल जाए कि आप में ये गुण हैं, उनको इम्प्रूव करने के लिए भी ये टेस्ट काम में आते हैं। तो उसके बाद हैं ये प्रेडिक्ट करते हैं कि किसी विशेष ऑक्यूपेशन में या एकेडमिक या ट्रेनिंग कोर्स में वो सफल होंगे या नहीं होंगे, उनकी प्रेडिक्शन होती है। रिसर्च एजुकेशनल और वोकेशनल गाइडेंस में भी काम आते हैं। दे कैन आइडेंटिफाई अंडर अचीवर्स, दे हेल्प इन फाइंडिंग स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस ऑफ स्टूडेंट्स, अलग अलग एरियाज में जो वीकनेस और स्ट्रेंथ्स हैं उनको जानने में मदद करते हैं। फॉर प्रेडिक्टिंग रेट ऑफ लर्निंग इन स्पेशल फील्ड्स, यानी किसी विशेष फील्ड में कोई व्यक्ति किस गति से सीख पाएगा किस गति से नहीं सीख पाएगा, ये अगर हमें पहले पता चल जाए तो बहुत सारा वेस्टेज हमारा बच जाएगा, बहुत सारी एनर्जी टाइम बच जाएगा, यानी प्रॉपर यूज कर पाएंगे हम एनर्जी और टाइम का। इसके बाद आता है टू सेलेक्ट राइट पर्सन फॉर राइट वर्क, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि सही काम पर सही आदमी ही लगे, सही फील्ड पर सही आदमी ही जाए, तो सफलता के भी चांस बढ़ जाएंगे, देश के लिए भी अच्छा रहेगा, समाज के लिए भी अच्छा रहेगा, बहुत सारी एनर्जी बच जाएगी, बहुत सारा पैसा बच जाएगा, टाइम बच जाएगा, अगर हम ये टेस्ट अप्लाई करते हैं किसी बच्चों पर तो। या फिर हम ये भी देख लेते हैं कि मान लो ऐसा हो जाए कि अगर किसी गलत फील्ड के लिए कोई गलत बच्चा तैयारी कर रहा है, मान लो कोई बच्चा है डॉक्टरी की तैयारी कर रहा है सिर्फ अपने पैसा कमाने के लिए, लेकिन उसमें वो एबिलिटीज़ या लक्षण या एप्टीट्यूड नहीं है, तो भविष्य में वो नुकसानदायक रहेगा, वो खुद के लिए भी नुकसान कर रहा है, समाज के लिए भी नुकसानदायक रहेगा। एक बहुत सारे बच्चे हैं जो बीएड कर रहे हैं, उनको ये पता ही नहीं कि उनमें वो गुण हैं या नहीं, ना माता पिता को पता है ना समाज को पता है, और वो किसी न किसी तरह टीचर बन जाते हैं, तो उनमें एप्टीट्यूड डेवलप नहीं हो सकता बाद में, वो सिर्फ जॉब करेंगे पैसा कमाएंगे लेकिन समाज के लिए नुकसान करेंगे। इसी तरह हर फील्ड में ऐसा ही होता है कि वो समाज का अंतिम रूप से हम समाज का नुकसान कर रहे होते हैं किसी न किसी तरह, अगर हम गलत यूज कर रहे हैं तो रॉन्ग प्लेसमेंट है तो पक्का ही नुकसान हो रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो एप्टीट्यूड टेस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं।
एक व्यक्ति की सफलता के लिए और समाज की सफलता के लिए। थैंक यू।